Let us look at the next question. You are asked to simplify root of x square minus y square plus x by root of x square plus y square plus y divided by root of x square plus y square minus y by x minus root of x square minus y square. A complicated expression hai. Isko simplify karne ke liye bol rahe hain. So this is something by something divided by something. So do rational numbers ka डिवीजन का मतलब क्या है? डिवीजन को आप इनटू करके जो सेकंड रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं. सो फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, सॉल्यूशन इज सो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, दिस डिवाइड बाय बिकम्स इनटू एंड द सेकंड रैशनल नंबर बिकम्स इट्स रेसिप्रोकल. Is x minus root of x square minus y square divided by root of x square plus y square minus y. So ab hum kya karenge? So let us try to simplify this. Okay. So this is equal to. Now look at these expressions carefully. Expressions ko aap dhyan se dekha to you'll see that. डिनोमिनेटर में सो दो रैशनल नंबर्स का न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट, राइट? सो डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट पे ध्यान दे दीजिए. इफ यू टेक रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज वन एंटिटी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी है, सेकेंड एक्सप्रेशन में भी है. सो यहां क्या है? समथिंग प्लस समथिंग, यहां समथिंग माइनस समथिंग. रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर. एंड न्यूमरेटर में क्या है? ध्यान से देखिए. अब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया? आई हैव यूज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. आप ए प्लस बी करिए, बी प्लस ए करिए, रिजल्ट तो सेम है. इंटू एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब यहां भी कुछ प्रॉपर्टी जैसा दिख रहे हैं, राइट? दिख रहा है ना? सो हम एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा दिख रहे हैं. सो दैट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. यहां ऑलरेडी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट्स कैंसिल, सो यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ यहां स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर गेट्स कैंसिल. So you get x square minus y square divided by x square. So that is equal to, देखिए x square, यहां bracket expansion आराम से करना है, bracket के बाहर minus है. So this becomes x square minus of minus plus y square by x square. X square and minus x square gets cancelled. So you get what? Y square by x square. So, इतना बड़ा एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या आया? सिंपली वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक थियोरेटिकल क्वेश्चन जैसा है. आपको पाई का मतलब पता है? सो यू हैव स्टडीड दैट पाई इज एन irrational number, right? Pi is a irrational number. But usually calculations में pi के place में हम क्या लिखते हैं? We write usually pi as 22/7. Usually pi के place में हम 22/7 substitute करते हैं. But 22/7 is a rational number. So the question is, pi is an irrational, but 22/7 is a rational number. Why do we substitute 22/7 in the place of pi?
why do we express pi as 22 by 7? So, एक rational number है कि irrational number है? But rational number can never be equal to an irrational number. So, what is the contradiction here? How do you explain the contradiction? एक irrational number के एक rational number जैसा क्यों लिख रहे? So, the answer is simple as we have discussed in the theory. So, if you want to express pi as a ratio of two rational numbers, it is not possible because pi is an irrational number. But in some calculations, we'll need the value of pi. क्योंकि pi जो है geometry में बहुत बार आते हैं. Pi is the ratio of the circumference of a circle to its diameter. Pi क्या है? एक circle का circumference length divided by diameter length. किया तो जो नंबर आएगा दैट इज पाई एंड इट हैज बीन प्रूव्ड दैट दिस नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स एंड बिकॉज इज एन इरेशनल नंबर इसका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है तो डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है तो आपको पता है डेसिमल एक्सपेंशन तो एक्यूरेटली हम इरेशनल नंबर्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल वो तो डिजिट्स लिखते रहना है लिखते रहना है लिखते रहना देयर इज नो एंड टू द नंबर ऑफ डिजिट्स But when you have to use the value of pi in calculations, हम क्या करते हैं? We take an approximation. 22 by 7 is the approximate value of pi. What? Approximate value of pi. It is not the exact value. 22 by 7 is a rational number which is very close to pi. A rational number. Close to pi. So, because we cannot write pi as an expanding decimal exactly, so हम क्या करते हैं एक ऐसा rational number लेते हैं जो pi का बहुत नजदीक है and we'll use that in calculations. बहुत बार 22 by 7 भी use करते हैं और 3.14 भी use करने के लिए बोल सकते हैं. In some questions you'll be asked to take pi as 3.14. Again, 3.14 is also rational number very close to pi. If you take the exact value of pi, आप Google search कर सकते हैं. Pi का exact value चाहिए तो I'll just look at the values of pi. Okay, look here. Value just Google search कर लीजिए value of pi. देखिए pi का value आप decimal एक्सपेंशन में लिखा तो वो ऐसा होगा 3.14159265358979323 so on. ये नंबर्स ऐसा जाते रहेगा. There's no end to these numbers and they'll not recur also. कहीं ना कहीं recurring भी नहीं आएगा. So हम क्या करते कभी कभी क्या करते 3.14 तक approximate कर लेते हैं. Approximate value आ जाएगा आपको क्योंकि real life में we don't need many times we don't need exact values. We are happy with approximate values. Okay, so what is the reason? 22 by 7 is not exactly equal to pi. It is only a close approximation to pi. So अगर real number line लिया तो मान लीजिए pi यहाँ है. Exactly pi तो हम decimal form में लिख नहीं सकते. So हम क्या करते हैं उसका आसपास में एक रैशनल नंबर लेते हैं. बट ये 22 बाय 7 ही क्यों लिया वो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके दैट्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड व्हाई ओनली 22 बाय 7 इज यूज्ड. और भी बहुत सारे यूज कर सकते हैं. ओके सो दैट विल बी डिस्कस्ड इन अ सेपरेट वीडियो. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए. So the next question is x is equal to 1 minus root 2. If x is equal to 1 minus root 2, find x plus 1 by x, x minus 1 by x, x square plus 1 by x square minus 1 by x square, x power 4 plus 1 by x power 4, x power 4 minus 1 by x power 4. ये सारा expressions का values find करना है. That's the question. X का value 1 minus root 2 है.
ऐसा है, तो ये सारा वैल्यूज फाइंड करना है. ओके, सो लेट अस ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन. सो कहां से स्टार्ट करेंगे? अगेन दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन. अगर x 1 by 1 माइनस रूट टू है तो, सॉरी 1 माइनस रूट टू है तो 1 by x क्या होगा? सिंपली 1 by 1 माइनस रूट टू. सो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? बाय रैशनलाइजेशन. 1 माइनस रूट टू का रैशनलाइजिंग फैक्टर 1 प्लस रूट टू हो जाएगा. सो 1 प्लस रूट टू इंटू 1 माइनस रूट टू इज 1 माइनस रूट टू स्क्वायर. 1 स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर, 1 माइनस टू ऊपर 1 प्लस रूट टू. सो नीचे माइनस 1 हो गया. सो सिंपली दिस इज माइनस ऑफ 1 प्लस रूट टू और माइनस 1 माइनस रूट टू. सो x आ गया, 1 बाय x आ गया. सो हम पहला दो एक्सप्रेशंस तो निकाल सकते हैं. सो व्हाट इज x प्लस 1 बाय x? दैट इज इक्वल टू 1 माइनस रूट टू प्लस माइनस 1 माइनस रूट टू. ब्रैकेट के बाहर प्लस है, सो डायरेक्टली आप प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस लिख सकते हैं. वन माइनस रूट टू माइनस वन माइनस रूट टू, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, यू गेट माइनस टू रूट टू. इजी लग रहा है? माइनस टू रूट टू. सो एक्स माइनस वन बाय एक्स क्या होगा? वन माइनस रूट टू माइनस ऑफ माइनस वन माइनस रूट टू. ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सो ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल्स है वो चेंज हो जाएगा. सो दैट इज वन माइनस रूट टू माइनस ऑफ माइनस वन इज प्लस वन प्लस रूट टू. सो माइनस रूट टू प्लस रूट टू कैंसिल हो गया, सो यू गेट टू एज द आंसर. ओके, सो एक्स प्लस वन बाय एक्स इज माइनस टू रूट टू, एक्स माइनस वन बाय एक्स इज टू. नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, इसका भी आंसर निकालना बहुत ईजी है. टेक्निक क्या है? इट इज एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर. एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर किया तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टर्म भी आएगा, इसका मतलब प्लस टू आएगा. राइट, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू. इसमें से माइनस टू किया तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स इज माइनस टू रूट टू होल स्क्वायर माइनस टू. That is equal to minus का whole square is plus 2 root 2 का whole square 8 minus 2 which is equal to 6. Right? इसके बाद x square minus 1 by x square का मतलब क्या है? x plus 1 by x into x minus 1 by x. सही कि नहीं? So x plus 1 by x तो minus 2 root 2 है, x minus 1 by x तो 2 है. So what is the multiplication of these two? Minus 4 root 2. 2 into 2 is 4. Minus 4 root 2. Next, x power 4 plus 1 by x power 4. ये कैसे निकालेंगे? Again, same technique. x power 4 plus 1 by x power 4 is x square plus 1 by x square का whole square. इसमें क्या क्या terms आएगा? x power 4, 1 by x power 4, extra एक plus 2 आएगा. So, वो आपको माइनस करना पड़ेगा. सो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज सिक्स. सो सिक्स स्क्वायर माइनस टू 34 हो जाएगा. एंड एक्स पावर फोर माइनस वन बाय एक्स पावर फोर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज सिक्स. एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर इज माइनस फोर रूट टू. So 6 times minus 4 root 2, that is minus 24 root 2 is the answer. Itna hai minus 24 root 2. So I hope that this is clear. So a question, aapko ek sample special type ka question hai. So aisa type mein bahut alag alag questions pooch sakte hain. So isme kya hai? X diya to 1 by x find kiya, x प्लस वन बाय एक्स फाइंड किया, x माइनस वन बाय एक्स फाइंड किया. इसके बाद x प्लस वन बाय एक्स को यूज करके हम x स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर फाइंड किया. एंड x स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर को यूज करके x पावर फोर प्लस वन बाय एक्स पावर फोर फाइंड किया. अगर चाहे तो x पावर एट प्लस वन बाय एक्स पावर एट भी पूछ सकते हैं आपसे. सो इसी
लॉजिक से आप बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन बाय रूट टू प्लस वन प्लस वन बाय रूट थ्री प्लस रूट टू प्लस वन बाय रूट फोर प्लस रूट थ्री प्लस वन बाय रूट फाइव प्लस रूट फोर इज इक्वल टू व्हाट. एंड एक और क्वेश्चन है, वन बाय रूट टू प्लस वन प्लस वन बाय रूट थ्री प्लस टू प्लस वन बाय रूट फाइव प्लस थ्री प्लस सॉरी टू बाय रूट फाइव माइनस थ्री. वन बाय रूट टू प्लस वन प्लस वन बाय रूट थ्री प्लस टू प्लस टू बाय रूट फाइव प्लस थ्री प्लस टू बाय रूट फाइव माइनस थ्री. ओके, दो क्वेश्चंस इस एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहे हैं. ओके, सो अगेन दीज आर ऑल्सो स्पेशल क्वेश्चंस. इस क्वेश्चंस का टेक्निक जो है आप याद रखना पड़ेगा. ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे. ओके, सो वन बाय रूट टू प्लस वन को मैं वन बाय रूट टू प्लस वन इंटू रूट टू माइनस वन इंटू रूट टू माइनस वन रैशनलाइजेशन कर सकता हूं. दैट इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट टू प्लस वन इंटू रूट टू माइनस वन इज टू माइनस वन, वन हो जाएगा बाय वन विच इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन. इसके बाद वन बाय रूट थ्री प्लस रूट टू सेम प्रोसेस कर लीजिए रैशनलाइजेशन. वन बाय रूट थ्री प्लस रूट टू इंटू रूट थ्री माइनस रूट टू रूट थ्री माइनस रूट टू. सो नीचे थ्री माइनस टू वन हो जाएगा, ऊपर सिंपली रूट थ्री माइनस रूट टू हो जाएगा. वन बाय रूट फोर प्लस रूट थ्री सेम स्टेप्स आप फॉलो किया तो ये हो जाएगा रूट फाइव माइनस रूट थ्री. एंड वन बाय रूट फाइव प्लस रूट फोर सेम स्टेप्स आप फॉलो किया तो दिस विल बिकम रूट फाइव माइनस रूट फोर. पूछ रहे कि ये सबका सम कितना है, सम कर लीजिए, समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस. सो क्या होगा, आपका प्लस रूट टू माइनस रूट टू कैंसिल हो रहा है, देखिए प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री कैंसिल हो गया, प्लस रूट फोर माइनस रूट फोर कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा है रूट फाइव माइनस वन. सो दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो क्या है, रूट फाइव माइनस वन इज द आंसर. सो ये जो कैंसिलेशन है ये लॉजिक बहुत क्वेश्चंस में यूज होते हैं, इसको हम बोलते हैं बरसात मेथड. क्या मेथड है? सो इस मेथड को हम बोलते हैं बरसात मेथड. बरसात का मतलब है बारिश. सो दिख रहे है? बारिश आ गया, सारा कचरा निकल गया, देखिए सारा कैंसिलेशन हो गया एंड यू आर लेफ्ट विथ ए प्योर फॉर्म. एक बहुत सुंदर सा एक एक्सप्रेशन बच गया. सो ये बरसात मेथड, व्हेनेवर से बरसात मेथड आप क्या ट्राई करना है, ऐसा रैशनलाइज करके व्हेन यू ऐड थिंग्स बहुत सारा टर्म्स कैंसिल होते रहेगा इस मेथड में. ओके, इस मेथड का बहुत अलग अलग तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन. सो इसमें हम पहला क्या करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करने के लिए कोशिश करते हैं. ओके, सो ये क्या है, टू बाय रूट फाइव प्लस थ्री प्लस टू बाय रूट फाइव माइनस थ्री. सो यहां भी हम क्या करेंगे, लेट अस ट्राई टू रैशनलाइज दिस. सो टू बाय रूट फाइव प्लस थ्री को हम क्या करेंगे, रूट फाइव माइनस थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे. सो टू टाइम्स रूट फाइव माइनस थ्री डिवाइडेड बाय रूट फाइव प्लस थ्री इंटू रूट फाइव माइनस थ्री क्या होगा, रूट फाइव का होल स्क्वायर फाइव माइनस थ्री का होल स्क्वायर नाइन, फाइव माइनस नाइन इज माइनस फोर. सो माइनस ऊपर चला जाएगा, सो माइनस वन बाय टू टाइम्स रूट फाइव माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू सिंपली थ्री माइनस रूट फाइव बाय टू. इजी है, माइनस को मैं अंदर भेज दिया. सिमिलरली टू बाय रूट फाइव माइनस थ्री क्या होगा,
टू बाय रूट फाइव माइनस थ्री, सो रूट फाइव प्लस थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, टू टाइम्स रूट फाइव प्लस थ्री बाय माइनस फोर, दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू टाइम्स रूट फाइव प्लस थ्री, दैट इज इक्वल टू माइनस रूट फाइव माइनस थ्री बाय टू, समझ रहे? सो अब ये दोनों को ऐड कर लीजिए, व्हाट इज द सम ऑफ दीज टू, दोनों को ऐड करना है ना क्वेश्चन में, सो दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा, वन बाय टू टाइम्स, वन बाय टू कॉमन है, थ्री माइनस थ्री कैंसिल हो गया, माइनस रूट फाइव इज माइनस टू रूट फाइव, सो टू एंड टू गेट्स कैंसिल, सो यू गेट माइनस रूट फाइव एज द आंसर, सो ये माइनस रूट फाइव समझ में आ रहे, सो द सम ऑफ दीज टू इज सिंपली माइनस रूट फाइव, ओके? अब ये दोनों देख लीजिए, सो लेट अस लुक एट दीज टू, सो ये दोनों तो सॉरी यहां एक रूट टू होना चाहिए, ओके? प्रिंटिंग मिस्टेक है, सो ये रूट टू प्लस वन, ये रूट थ्री प्लस रूट टू, सो ये एक्सप्रेशन जो है आपको बिल्कुल ऊपर वाला एक्सप्रेशन ही लग रहा है, दिस इज सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, सो ये दोनों का सिंप्लीफिकेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ओके? सॉरी सॉरी, ये वैसा ही है, टू ही है, ये एक्चुअली ऊपर वाले एक्सप्रेशन से मिल नहीं रहे, सो दिस इज रूट थ्री प्लस टू, सो हम क्या करेंगे, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, ओके? सो वन बाय रूट टू प्लस वन, ऑलरेडी हम देखे हैं कि ये रूट टू माइनस वन है प्रीवियस क्वेश्चन में, वन बाय रूट थ्री प्लस टू, इसको मैं क्या करता हूं, रूट थ्री माइनस टू, रूट थ्री माइनस टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, दैट इज इक्वल टू रूट थ्री माइनस टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री प्लस टू इंटू रूट थ्री माइनस टू, रूट थ्री प्लस टू इंटू रूट थ्री माइनस टू क्या होगा, थ्री माइनस फोर, थ्री माइनस फोर, ओके? सो थ्री माइनस फोर का मतलब है माइनस वन, दैट इज इक्वल टू टू माइनस रूट थ्री, ओके? सो ये दोनों को एड करना पड़ेगा, इफ यू एड दीज टू, सो रूट टू तो बचेगा, माइनस रूट थ्री प्लस टू माइनस वन इज प्लस वन, सो यू आस्क्ड टू एड ऑल ऑफ दिस, सो माइनस रूट फाइव, ये सबको एड किया तो आपको क्या आएगा, रूट टू माइनस रूट थ्री, एक वन है, माइनस रूट फाइव, सो दिस इज द फाइनल आंसर, जैसा क्वेश्चन दिया है उसी क्वेश्चन को आप सॉल्व किया तो दिस इज व्हाट यू गेट, ओके? सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पावर एक्स इज इक्वल टू बी, बी पावर वाई इज इक्वल टू सी, सी पावर जेड इज इक्वल टू ए, प्रूव दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वन, अगर a पावर x b है, b पावर x b पावर y c है, c पावर z इज a, हैव टू प्रूव दैट x इंटू y इंटू z इज इक्वल टू वन, ओके? सो ऐसा क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, देखिए a पावर x इज इक्वल टू b, ये सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर a पावर x b है तो a क्या होगा, b पावर वन बाय एक्स, क्योंकि दोनों तरफ मैं क्या किया, पावर वन बाय एक्स अप्लाई किया, सो यहां क्या हो जाएगा, ए पावर एक्स बाय एक्स, ए इज इक्वल टू बी पावर वन बाय एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर जब ट्रांसपोज होगा, व्हेन द पावर गेट्स ट्रांसपोज इट बिकम्स रेसिप्रोकल, ए पावर एक्स इज इक्वल टू बी है तो ए इज नॉट इक्वल टू बी पावर माइनस एक्स, ए इज इक्वल टू बी पावर वन बाय एक्स, ओके? अब a तो c पावर z है, सो मैं क्या करता हूं, a के प्लेस में c पावर z पुट कर लेता हूं, सो c पावर z इज इक्वल टू b पावर 1 बाय x,
दिस इंप्लाइज, अब ये जेड को भी मैं उस तरफ भेज देता हूं, सो सी इज इक्वल टू वॉट, बी पावर 1 बाई एक्स होल पावर 1 बाई जेड, इट इज इक्वल टू बी पावर 1 बाई एक्स जेड, समझ रहे? सो दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू बी पावर 1 बाई एक्स जेड. अब सी क्या है? बी पावर वाई, फिर सब शूट कर लीजिए, सी इज नथिंग बट बी पावर वाई इज इक्वल टू बी पावर 1 बाई एक्स जेड. दिस इंप्लाइज यहां भी बी है, यहां भी बी है, द बेसिस आर सेम, सो द पावर्स हैज टू बी सेम, सो वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स जेड. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1. ओके, ये क्वेश्चन क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5, b is equal to 3 plus root 3 minus root 5. Prove that a square plus b square minus 4a minus 6b minus 3 is equal to 0. क्या है? सबको a का value एक trinomial set, b का value भी एक trinomial set. You're asked to prove that ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस सिक्स बी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो. सो आप ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर करके आप कर सकते हैं, बट वो लंबा हो जाएगा. इसमें आप क्वेश्चंस में पैटर्न्स ऑब्जर्व करना है. ए स्क्वायर है, बगल में माइनस फोर ए है, ये दोनों टर्म्स कौन से एक्सप्रेशन में आने का चांस है? कभी ऐसा सोचे? ए स्क्वायर है एक्सप्रेशन में माइनस फोर ए है, सो ए स्क्वायर माइनस फोर ए मुझे पता है कि, देखिए मैं ये दोनों को क्लब कर लेता हूं, और बी स्क्वायर माइनस सिक्स बी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. ए स्क्वायर माइनस फोर ए के बगल में क्या होने से एक्सप्रेशन समथिंग होल स्क्वायर हो जाएगा. मैं क्या करता हूं, यहां प्लस फोर लिखता हूं, यहां प्लस नाइन लिखता हूं. अगर ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर है तो ए माइनस टू होल स्क्वायर हो जाएगा, बी माइनस थ्री होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट? दैट विल बी ए गुड सिंप्लीफिकेशन. बट ये फोर एंड नाइन तो नहीं है, मैं एक्स्ट्रा लिखा हूं, सो उसको मैनेज भी करना पड़ेगा. अगर लेफ्ट साइड फोर एंड नाइन ऐड किया तो राइट साइड भी मुझे फोर एंड नाइन ऐड करना पड़ेगा. सो द गिवन एक्सप्रेशन इज ए माइनस टू होल स्क्वायर प्लस बी माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस नाइन इज 13 प्लस 3 16. सो दिस इज द एक्सप्रेशन टू बी प्रूव्ड. ये वाला बेटर लग रहा है कि ये वाला बेटर लग रहा है? ये वाला तो ज्यादा बेटर लग रहा है. सो यू हैव टू प्रूव दैट ए माइनस टू होल स्क्वायर प्लस बी माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16. एंड ये 2 एंड 3 भी बहुत इजीली आपको दिख रहा है यहां. सो फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन, फ्रॉम द given expression a minus 2 whole square is nothing but root 3 plus root 5 ka whole square, and b minus 3 whole square kya hai? Root 3 minus root 5 ka whole square hai, right? So a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. Denominator kya hai? A square plus b square minus 2ab. So if you add these two, ये दोनों को add करने के लिए बोल रहा है ना question में, to be proved is this square plus this square. So a minus 2 whole square plus b minus 3 whole square is equal to plus 2 root 15 minus 2 root 15 cancel हो गया, 8 plus 8 is 16, right? So a minus 2 whole square plus b minus 3 whole square is equal to 16. Hence proved. हो गया, द प्रूफ इज